आगे देखो द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ये दिखा रखा है एम ई एन के उल्टवाइस को लिखेंगे ए ए का ट्वाइस और सी एल को लिख देंगे बी टू, ठीक है एम ए ए का उल्टवाइस बी टू, ये आपको पता है ये जी आई भी दिखाता है और ये ओ आई भी दिखाता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेर, ये देखो ये तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है तो सबका अपना अपना तरीका होता है सोल्व करने का। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सोल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन होने के लिए दो डब्बे चाहिए थे, यहाँ पे नहीं है। आयनाइजेशन के लिए डब्बे के बाहर एक आयन होना चाहिए था, वो नहीं है। लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेट होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा और एम ए ए का होल ट्वाइस बी टू एक जी आई शो करता है, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है।